नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से, जहां प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीहा जी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी संघ को चौथी वर्षगांठ नगर पंचायत के सभागार में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीहा ने कहा कि लंबे आंदोलन के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 500 रुपए का मानदेय बढ़ाकर सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है। चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं क्योंकि हमने चार वर्षों में देखा, हमारे लोगों ने कई कार्यक्रम करे, 9 दिन का आंदोलन भी करा हमने, विधानसभा घिराव भी करा हमने। तो हमने 9 दिन के आंदोलन में अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लोगों का 500 रुपये मानदेय बढ़ाया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर कानपुर के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कानपुर देहात के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार तहसील अकबरपुर में आतंकवाद विरोधी दिवस पर अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हुए हिंसा का विरोध करने की शपथ ली। तो वहीं इस अवसर पर अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। यूपी के संभल में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद पेड़ पर उसका शव लटका मिला है। ये पूरा मामला रजपुरी थाना के गांव निजामपुर का है, जहां एक युवक की हत्या और आत्महत्या के बीच की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में नाकाम नजर आ रही है। जनपद श्रावस्ती के मलहीपुर थाना क्षेत्र के बरगदहाट गांव के एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिससे मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक सूरज मौर्य को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद कई बार पिता के कहने के बावजूद भी उसने इलाज नहीं करवाया था। वहीं घटना के दिन मृतक युवक घर में अकेला था और अचानक पेट में दर्द ज्यादा होने के कारण युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमेरियागंज थाना क्षेत्र के हिजरा दनवा गांव के बाहर आम के पेड़ पर लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। तो वहीं गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पेड़ से उतरवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई, लेकिन अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं इस पूरे मामले में डुमरियागंज के CEO का कहना है कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी। जो गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह भी है और छोटा सा बाग है, उसी बाग में पेड़ पर लटका हुआ एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। इस सूचना पर वहां पहुंचा गया, फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, भौतिक परीक्षण किया गया, शव को उतरवा करके पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल शव अज्ञात अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया, इसलिए इसकी पोस्टमार्टम जो है तत्काल नहीं होगा। शिनाख्त के लिए मर्चरी हाउस में फ्रीजर में जो है रखा जा रहा है, जब शिनाख्त हो जाएगी तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शक्ति फॉर्म यानी शक्तिगढ़ नगर पंचायत पद पर हुए मतदान की मतगणना में भाजपा के सुनील विश्वास के सिर जीत का सहरा बंधा है। सुनील विश्वास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 मतों से हरा दिया है। तीसरा स्थान निर्दलीय प्रत्याशी रमेश राय का रहा। शक्तिगढ़ नगर में पंचायत के चेयरमैन पद के 2 दिन पहले मतदान हुआ था। 7 पोलिंग बूथों पर 3,866 महिला पुरुषों ने मतदान दिए थे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चेयरमैन सुनील विश्वास को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय जनता को भाजपा की जल कल्याण नीतियों पर पूरा विश्वास है, इसके साथ ही शक्तिगढ़ के विकास के लिए भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में यात्रा के चलते गंगोत्री की बिजली कल रात से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं बिजली के क्षतिग्रस्त होने से गंगोत्री धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में तूफान के चलते बिजली पोल पर पेड़ गिर गया था, जिससे बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने से गंगोत्री लाइन अवरुद्ध हो गई है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध खनन को लेकर अधिकारियों को सख्ती बरतने के दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी जनपद से अवैध बालू या मिट्टी का खनन ना हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रोली की चपेट में आने से आए दिन लोगों की जाने जा रही हैं।
अवैध खनन को लेकर कारोबार क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया और इस पर अंकुश लगाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गिरा और हम उसके आगे साथ देने लगे, रोक दो, लेकिन वो बच्चा के ऊपर से चला दिया गाड़ी, ये बीच वाला पहिया उसके सर से जुड़ते बच्चा गिरा, कोई लगा भागे, हम उसके आगे घेरने लगे तब भी नहीं रुका। 2 साल के मेरे पास बच्ची थी, हम ले के रोड से बाहर भागे तो वो भाग गया, कुछ दूर से बच्चे जाके पकड़ के ले आए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए सुचारू हो गया है। गौरतलब है कि राधा चट्टी के पास सड़क धंसने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था। जिलाधिकारी श्री अभिषेक रुहेला ने बताया कि नेशनल हाईवे छोटे बड़े वाहनों के लिए सुचारू हो गया है। इसके अलावा सड़क मार्ग को गड्ढामुक्त बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तरकाशी में जंगल में घास काटने गई महिला पैर फिसलने के चलते गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के चलते महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आसपास की महिलाओं के चिल्लाने पर पास से गुजर रहे यातायात पुलिस के जवानों ने रस्सी से महिला को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार महिला खेत में घास काटने गई थी, इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी के नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसके दौरान उसे गंभीर रूप से चोट भी आई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने महानगर कांग्रेस कार्यालय में उनको याद किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्र पर माला पहनाने के साथ उन्हें नमन भी किया गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने राजीव जी को देशभर में कंप्यूटर क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि उन्होंने जिस सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति की देश में अलग जगाई है, उसी के चलते आज विश्व में भारत के युवा इस क्षेत्र में देश का परचम बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन भी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।